यद परमं यद गुणातीतं यद ज्योतिर् मलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपद कारणम्। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तात्तुल्यम श्री राम नाम बरानने है। भगवान राम की बड़ी कृपा है। आज 5 अगस्त है। आज के दिन अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ। भगवान ने उनको निमित्त बनाया। तो ऐसा कहा ना गीता में, सुचिनाम श्रमताम गेह योग भ्रष्टा भी जायते। तो और भगवान की बड़ी कृपा है कि श्रावण के पहले सोमवार से भगवान ने प्रेरणा दी कि मैं आप लोगों के बीच में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का निर्वचन करूं, आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊं। तो उसी तारतम्य आज अपन वाल्मीकि रामायण के 20वें सर्ग को ले रहे हैं। विंशः सर्ग। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपने पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना, मना कर दिया उन्होंने राजा दशरथ को कि हम पुत्र नहीं देंगे। और इस बात पे विश्वामित्र जो है कुपित हो गए, क्रोधित नहीं हो गए। देखना, ध्यान देना, ज्ञानी क्रोधित नहीं होता है, क्रोधित अज्ञानी होता है। तच्छुत्वा राजसादुर्लो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावादिनम् ब्रवीत। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नप श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ दो घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए। उनके उनको होश नहीं रहा। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, क्या बोलते हैं, उन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसे। महर्षि, मेरा कमल नयन राम तो अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूं। यमक्षोहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरा अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तेर्षाचरे। यह मेरी अक्षुणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी हूं। इस सेना के साथ मैं स्वयं चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। इमे शूराश्य विक्रांतः भृत्वा मे अस्त्र विशारदः योग्यारक्षो गणेर्योद्धुम नरामं नेतु महर्षि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र शस्त्रों में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनी यावद् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्सये निशाचरे। मैं स्वयं ही अपने हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्न व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतु महर्षि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आप नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करेंगे, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा, आप राम को न ले जाइए। बालो हयकृत विदश्य न च वेत्ति बला बलम
न शास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदा। मेरा राम अभी बालक है, इससे अभी तक इसने अभी तक युद्ध कला भी नहीं सीखी है, ये दूसरे के बलाबल को नहीं जानता, ना तो ये अस्त्र बल में संपन्न है और न युद्ध कला में निपुण ही है। न चासो राक्षसा योग्यः कूट युद्धा हिराक्षसः विप्रयुक्तो हिरामेण मुहूर्तमपि चोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमहर्षि यदि वा राघवं ब्राह्मण नेतुमिच्छसि सुब्रतम् सुब्रतम् चतुरंग समायुक्तम् मया सह च तन्नयः षष्टि वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम कौशिकम्। अतः राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं, इसके सिवा राम के वियोग हो जाने पर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब सुनिए, पहले भी राक्षस माया से और छल कपट से युद्ध करते थे, और आज भी राक्षस, चाहे वो पाकिस्तान हो या वो चीन हो, आज भी राक्षस माया और छल कपट से युद्ध करते हैं। देख लो आपको घटनाएं सब मालूम ही है। तो मैं इसके बिना दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा ब्राह्मण यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगी सेना के साथ मैं भी चलता हूं, मेरे साथ इसे ले चलिए, मैं भी चलूंगा। देखो इतना प्रेम भगवान दशरथ का, वो जानते ही नहीं भगवान राम सच्चिदानंद परमात्मा है। हे कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60 वर्ष की हो गई है, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। षष्टि वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिकः। बताइए, ये प्रमाण है इस बात का कि दशरथ जी के घर जब राम उत्पन्न हुए थे, राम प्रकट हुए थे, तब उनकी अवस्था 60,000 वर्ष की थी। उम्र कोई विश्वास करेगा? तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा दूसरे धर्मों का अध्यात्म, आज तक कोई भी व्यक्ति 60,000 वर्ष जिया है इन लोगों में से, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोक रहे हैं? और ये तो मरने के बाद जन्नत जाते हैं भैया, हमारे यहां तो जीवित अर्जुन जो है स्वर्ग में जाके आया जीवित। राजा दशरथ तो देवताओं के पक्ष में दानवों से लड़े थे, जो कैकेयी को वरदान दिया था, तो कोई इसकी कोई ना बराबरी नहीं कर सकता हिंदू धर्म की। और आगे है, कृच्छेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतु महर्षि चतुर्नामात्मजानां हि प्रीति परमिमा मम। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को ना ले जाइए। ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतु महर्षि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उन पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, था आप राम को न ले जाइए। किम वीर्या राक्षसस्ते च कस्य पुत्राश्च केचते। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है? कथा प्रमाणा के चेतान रक्षसी मुनि पुंगवः कथम च प्रति कर्तव्यम तेषां रामेण रक्षसाम। उनका डील डोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है? माम केरवा बलेर ब्राह्मण मया वा कूट योधिनाम सर्वं मे संसप भगवान कथम तेषां मयारणे। ब्राह्मण मेरे सैनिकों को या मुझे स्वयं ही उन मायाबोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए, भगवान ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए? स्था तस्यम दुष्ट भावानाम वीर्यो सक्ता ही राक्षसा। उन दुष्टों के साथ राक्षसों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं।
तस्य तद वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो अभ्यभाषता पौलस्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः सा ब्राह्मणा दत्तवरस्त्रे लोक्यं बाधते वृषं महाबलो महावीर्यो राक्षसेर्बहुभीर्वत्तः श्रूयते च महाराजा रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद्वे श्रवणभ्राता पुत्रो विश्वसो मुने। राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज रावण नाम से एक प्रसिद्ध राक्षस है जो महर्षि पुरस्थ के कुल में उत्पन्न हुआ है। किसी के कुल में भी उत्पन्न हो जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि कुल से उत्पन्न होने वाला आदमी वैसा हो। ये देखो, ये आज की व्यवस्था का खंडन कर रहा है। ब्राह्मण के कुल में कोई ब्राह्मण ही उत्पन्न हो ऐसा जरूर नहीं है। ब्राह्मण के कुल में एक राक्षस भी उत्पन्न हो सकता है और शूद्र के कुल में एक ब्राह्मण भी उत्पन्न हो सकता है और वैश्य के कुल में एक क्षत्रिय भी उत्पन्न हो सकता है और क्षत्रिय के कुल में एक वैश्य भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब किसी भी वर्ण में कोई भी वर्ण का व्यक्ति उत्पन्न हो सकता है, ये बात हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। लेकिन पता नहीं ये मूर्ख लोग घनचक्कर कहां से ज्ञान ले आए, ऐसा ज्ञान जैसा ज्ञान है जो बांटते फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ, उसे ब्रह्मा जी से मुहुआ वरदान प्राप्त हुआ जिससे महान शक्तिशाली पराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है वह राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। तो यदा च खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितो तौ तु राक्षसो च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। क्यों? कि वो यज्ञ में विघ्न डालना अपने लिए बहुत छोटा सा काम समझता है। वो अपने गुर्गों को भेजता है। अभी गुर्गा शब्द आजकल सही चल रहा है ना, इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डालते फिरते हैं। इति युक्तो मुनिना तेना राजोवाच मुनि तदा न शक्तो अस्मि संग्रामे स्थातुं तरस्य दुरात्मना। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। स्वतम प्रसादम धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के मम चैवाल्प भाग्यस्य देवतम ही भवान गुरु। धर्मज्ञ महर्षि, जब मैं नहीं ठहर सकता उसके साथ रावण के साथ युद्ध में, तो आप मेरे पुत्र और मुझ मंदभागी दशरथ पर बड़ी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता हैं और मेरे गुरु हैं। क्यों? कि बड़ी मुश्किल में तो ये पुत्र प्राप्त हुए और मैं जब उस रावण के सामने नहीं ठहर सकता तो मेरे ये पुत्र अभी तो 16 साल के नहीं हुए, ये कैसे ठहरेंगे। तो पिता अपने पुत्रों की रक्षा करता है, पिता अपने पुत्रों के प्रेम में कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान दशरथ नहीं रावण को हरा सकते थे, हरा सकते थे, मार सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन क्या है कि ये श्रेय तो भगवान नारायण को स्वयं ही लेना था, क्योंकि रावण को तो ये कई पहले से वरदान था कि वो भगवान के हाथ से ही मरेगा, है ना। इसलिए तो देवदानव गंधर्वा यक्षः पतग पन्नगः न शक्ता रावणं सोडुं किं पुनर्मानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता दानव गंधर्व यक्ष गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, समझने की बात है। देवता भी उससे हार गए, क्योंकि देवता उसके यहां गुलामी करते थे। पवन उसके झाड़ू लगाता था, वरुण उसके पानी भरता था और अग्नि उसके यहां पर सेवा करती थी, है ना। अग्निदेव सेवा करते थे,
शनि उसके पैरों के नीचे दबा रहता था, है ना। और शुक्राचार्य उसके खुद गुरु भी थे, और बृहस्पति उस उसके उसके सामने कहीं टिकते नहीं थे, बृहस्पति को तो वो चुप करा देता था। तो इस प्रकार से इंद्र जो है, इंद्र को जो है उसने अपना जैसे उपनिवेश बनाया था ना अंग्रेजों ने, भारत को दबा लिया था, ऐसे इंद्र को जो है स्वर्ग है वो उसके उपनिवेश में था, उसके अधीन था। स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, नाग लोक में, पितर लोक में, यक्ष लोक में, गंधर्व लोक में, जहां भी उसको कोई जो अच्छी चीज दिख जाती थी वो उठा ले जाता था। ऐसा ही अगर आप लोग नहीं जगे तो आपके समय भी आगे समय में ऐसे ही आने वाला है कि आपकी कोई भी अच्छी चीज दिखेगी उठा लिया जाए, उठा ली जाएगी। कि जैसे कि कश्मीर में अच्छी अच्छी कन्याओं को उठा लिया गया, जैसे कि भारत की माता बहनों को ले जाके और दो दीनार में बेचा गया। मैं आपको इस माध्यम से बता देता हूं, समझना हो तो समझ जाओ। तो इसमें भी मनुष्यों की क्या बात है। सतु वीर्य बताम वीर्य मादत्ते युधि रावण तेन चाहम न सक्तोस्मि संयोदिदं तस्य वा बले सबलो वा मुनि श्रेष्ठ सहितो वा मम आत्मजे। मुनिश्रेष्ठ रावण, मुनिश्रेष्ठ रावण सम्रांगण में बलवानों का के बल का अपहरण कर लेता है, मतलब उसका बल छीन लेता है। अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूं। कथप्यामर प्रख्यम संग्रामाणाम कोविदम बालम मे तैनम ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम्। ब्राह्मण ये मेरा देवोपम पुत्र, देवों के समान पुत्र युद्ध की कला में सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह दूंगा नहीं। अथ कालोपमो युद्ध है सुतो सुंदो पसुंदयो, सुतो सुंदो पसुंदयो यज्ञ विघ्न करो तौ ते नैव दस्यामि पुत्रकम् मरीच स्वाहुश्च वीर्यवंतो सुशिक्षितो। मरीच स्वाहु प्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। अब उनको मालूम था, उनको पता लग गया था, उनको मालूम है कि किसके पुत्र है। मरीच और सुभाव, ये मरीच सुंद का पुत्र था और सुभाव उपसुंद का पुत्र था। ये दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। ततोरन्यतरम योद्धुम यास्यामि सुहदगणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सहबान्धवा। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पनादादिजेन्द्रम कुशिकसुतम सुमहान विवेश मन्युः सुहत सुहुत एव मखे अग्निराज सिक्तम सिक्तः सुहुत इव मखे अग्निराज सिक्तः समभव दुज्वलितो महर्षि वही। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुश नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश होया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी प्रकार अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे।
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय अयोध्या सरयू धाम। आज अयोध्या का दिन है, आज सरयू का दिन है, आज भगवान राम की जन्मभूमि का दिन है, आज सीता रसोई का दिन है, आज हनुमान गढ़ी का दिन है, आज भरत भैया की तपस्थली का दिन है, आज भगवान की लीलाओं जहां जहां उन्होंने चित्रकूट, पंचवटी, राम सेतु, लंका, जहां जहां उनके चरण चरण पड़े आज उनके स्मरण का दिन है। आज 5 अगस्त है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भारत के सभी नागरिक जो भी राम से प्रेम करते हो, अयोध्या के मंदिर के लिए दिल खोल के दान दें, दिल खोल के दान दें, जितनी उनकी सामर्थ्य है, क्योंकि ये मंदिर नहीं, ये हमारे भगवान राम के राज्याभिषेक जैसा अवसर है। हमारे भगवान का मंदिर भव्य दिव्य और बहुत अच्छा बने, वहां पैसे की कोई वैसे तो कमी आ नहीं सकती भगवान तो, लेकिन आप भी गिलहरी बन जाओ थोड़ा बहुत, क्योंकि राम का तो सेतु बनेगा लेकिन गिलहरी अपने बालों में और रेत के कण अटका के और राम के सेतु पे डाल रही थी, ऐसे अपन तो सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन अपन गिलहरी बनकर अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। और ये आज का जो प्रवचन है ये भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जय सियाराम, जय सियाराम।